आज हम जा रहे हैं चोखा वाला पीठा बनाने। ये देखिए, आटा को हम इसमें थोड़ा सा हलवा बनाएंगे। पानी इतना डाल दिए हैं, ये चाव का आटा है पीस लिए हैं। तो हम इसको हलवा बना के इसमें ऐड करके और सानेंगे। ये हमने चोखा ही सब बना लिया है, इसको आटा को सान के अब इसमें भरेंगे हम। अब इसको हम गोल गोल ऐसे बनाएंगे और इसको हम ऐसे करके पीठा हम इसको चोखा भर दिए हैं। और ये ऐसे ऐसे बनाएंगे। देखिए ऐसे ऐसे हम देखिए, ये पेठा बन के रेडी हो चुका है। और इसको हम पानी में सिंझाएंगे। ये देखिए पेठा हम सब बना लिए हैं। अब इस पानी गर्म हो चुका है, अब इसमें सब हम डालेंगे। इसी तरह इसको 5-6 मिनट तक हम इसको सिंझाएंगे। देखिए मेरा पिठा सिंझ रहा है, अब हो चुका है। अब इसको हम निकालेंगे और पानी में धोएंगे और उसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए मेरा पिठा फ्राई हो चुका है, कितना सुंदर लग रहा है, खाने में टेस्टी रहेगी। और घर पर बनाइए और खाइए। लाइक करना मत भूलिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरा वीडियो पसंद आए तो।